मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। संभागायुक्त के सार्थक प्रयास से अब रोज 700 मरीजों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। इस बीच एक अनुकरणीय पहल भी सामने आई है, जहां खुशबू गर्ग ने अपनी शादी के गहनों के पैसों से किचन तैयार करवाया है ताकि मरीजों को पौष्टिक भोजन मिल सके। कल से शहर के एम्बायर उस परिसर में स्थित 5 शासकीय अस्पतालों के मरीजों को खजराना गणेश मंदिर समिति की ओर से लगभग 700 मरीजों को दोनों समय पौष्टिक भोजन चाहे नाश्ता मिलने लगा है। इसके लिए संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने पहल की थी। वहीं शहर के एक व्यवसायी की बेटी खुशबू गर्ग ने इसके लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए अपनी शादी के लिए बनाए जाने वाले गहनों की राशि 5 लाख रुपए दान देकर इस योजना के लिए एम्बाय परिसर में किचन तैयार कराया है। ये सब कैसे संभव हो पाया, खजराना मंदिर समिति से जुड़े अरविंद बागड़ी से सुनिए। 20 फरवरी के आसपास माननीय आकाश त्रिपाठी जी शायद एम्बाय के दौरे पे गए और उन्होंने पाया कि जो मरीजों के लिए जो भोजन व्यवस्था है वो भोजन व्यवस्था जितनी अच्छी होना चाहिए वो उतनी अच्छी भोजन व्यवस्था नहीं है। तो ऑफिस जब गए पता किया कि यार क्या हो सकता है, तो एक दो संगठनों के उनके पास जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, एक दो संगठनों के उनके पास पत्र थे कि हम सब लोग ये अन्य क्षेत्र इसको हम संभालना चाहते हैं और कुछ राशि भी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रसूता महिला उसके लिए 40 रुपये, मरीजों के लिए 12-15, जो जो भी है बहुत सारी चीज़ें पैसा भी वो आता है। तो वो जो एक प्रॉपर व्यवस्था कोई कर पाए नहीं, पर चूंकि वो जिलाधीश और मंदिर के प्रशासक रहे हुए हैं तो मंदिर का जो अन्न क्षेत्र था उससे वो बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझसे बात की कि अरविंद जरा आना, मेरे को इस तरीके की कोई बात है। मैंने कहा ठीक है। अब हम गए और जाने के बाद जब कासठ साहब और हम सब लोग थे, पुजारी परिवार भी था, कि मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि जो एमवाई के अंदर जो 700-800 मरीजों का प्रतिदिन भोजन बनता है, करीब वहाँ पर चार टाइम की व्यवस्था है। सुबह दूध चाय वगैरह दिया जाता है, बिस्किट वगैरह, फिर उसके बाद में भोजन दिया जाता है, फिर शाम के टाइम पे कुछ फल या इस तरीके के दूध वगैरह, और फिर रात्रि को भोजन, और प्रसूता महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहती है। और ये सब व्यवस्था यदि खजराना गणेश मंदिर अन्न क्षेत्र को दी जाए तो यदि आप सब लोग संभालो तो बड़ा होगा। हमने बोला ठीक है। फिर हमारे प्रशासक नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह जी से चर्चा हुई, माननीय जिलाधीश महोदय जो मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, कमिश्नर साहब ने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा और आप मानिए गणेश जी महाराज माहिल्या की पावन नगरी में सब अच्छा अच्छा ही कराते हैं। और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।